सियालदह का रेलवे स्टेशन है। सो अभी आगे की जर्नी काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब पहली बार कोलकाता का जो लोकल ट्रेन है उसका एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो काफ़ी एक्साइटेड। अभी यहाँ से मेरे को सियालदह से शांतिपुर के लिए जो ट्रेन है वो पकड़नी है। शांतिपुर के लिए टिकट मिल चुकी है, 25 रुपये की टिकट है। जब अपनी जो ट्रेन है वो आ चुकी है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आ रही है। आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं अभी और इन्होंने मुझे अपनी जगह दे दी आगे खड़े से। मैंगो का मैंगो बोलता है ना? अच्छा, वो मैंगो खाता है। ओके, इधर से उधर जाता है, बॉम्बे से जाता है इधर। अच्छा, इधर से उधर जाता है। सो गाइस, आज मेरा लास्ट दिन है ये हॉस्टल में। सो अभी बस मैं कुछ टाइम में निकल जाऊंगा। सो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं कोलकाता के बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, पर कोलकाता के एक छोटे से गांव में जा रहा हूँ, जहाँ पे एक मेरा फ्रेंड ही बोल सकते, जिसको लाइक मैं ऑनलाइन मिला था, उसके वो एक्चुअली मेरे को होस्ट करने वाला है। सो अभी बस 5-6 मिनट में पैकिंग करते हैं और फिलहाल थोड़ा लेट हो गया तो निकलते हैं। हॉस्टल है, तो मेरा बंक बेड है, यहाँ पे मेरा गैजेट्स है, तो अभी 5 मिनट में बस बैग उठाएंगे और निकलेंगे। अभी थोड़ा सा देर हो गया है तो यहीं से बाय बोल लो। ये हमारे दोस्त है, मित्र है, 2-3 दिन मिले देख लिए, चलो फिर मिलेंगे फिर कभी। इस तरीके का थोड़ा है और ये लॉकर रूम जैसा है, ये वाला मेरा लॉकर है, मेरा बैग है। सो चलो भाई, भाई निकलने का टाइम आ गया, चलो भाई फिर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे है, चलो थैंक यू, टेक केयर, साइन कर दीजिएगा। अच्छा, साइन करना है ये भाइयों। और आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जो कि एक नॉन टूरिस्टिक जगह है। मैं जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया है, मैंने ऑलमोस्ट वही जगहों को कवर किया है जो कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली है। तो ये पहली बार है कि मैं किसी एक छोटे से गाँव में जा रहा हूँ, जहाँ पे मतलब मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और जो जो मेरे को होस्ट करने वाले उनको भी मैं पहली बार मिलने थी, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सो ही वॉज काइंड इनफ एंड ही टोल्ड मी दैट तुम आ सकते हो, कि मेरे गांव में आ सकते हो। तो यहाँ पर वहाँ उसके गांव में 2 दिन रुकने का इरादा है। तो फिलहाल अभी मेरे को जाना है सियालदह रेलवे स्टेशन, मिल गई है। स्टेशन जाने का बेस्ट तरीका बस से ही है, कम पैसे में लंबा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। सो भाई साहब, फिलहाल सियालदह रेलवे स्टेशन पहुँचा जा रहा है और फिलहाल मैं एक टनल के अंदर हूँ, अभी देखते आगे स्टेशन आएगा तो बताता हूँ। सो गाइज, आफ्टर 1 घंटे की बस राइड के बाद और थोड़ा सा चलने के बाद फाइनली मैं सियालदह रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। सो अभी यहाँ से मेरे को सियालदह से शांतिपुर के लिए जो ट्रेन है वो पकड़नी है, और अभी अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली कि जो मेरी सियालदह से शांतिपुर की जो ट्रेन है वो लगभग 11:35 की है, और लगभग मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाएंगे शायद से शांगे। और मैंने ये चीज़ भी किया है, मेरे दोस्त जो मेरे को होस्ट करने वाले हैं उनका जो स्टेशन है वो शांतिपुर से 1 स्टेशन पहले, तो वो भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टेशन पर हूँ, अभी मेरे को टिकट कहाँ से लेना है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, और ट्रेन मेरी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी मेरे को कोई अता पता नहीं है, मेरे को पता नहीं। फिलहाल ये सियालदह का रेलवे स्टेशन है। सो अभी आगे की जर्नी काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब पहली बार कोलकाता का जो लोकल ट्रेन है उसका एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी आगे चल के देखते, किसी को पूछूंगा पहले कि कहाँ से टिकट लेनी है और ट्रेन कहाँ आएगी, कोई मिलेगा बताएगा तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थोड़ा बहुत रफ मैंने रिसर्च करके रखा है, तो आगे चल के देखते अभी कैसा क्या है। भाई साहब, टिकट निकाल लिए फिलहाल मेरे को, और टिकट के लिए एज यूजुअल मुंबई की तरह यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन है। शांतिपुर के लिए टिकट मिल चुकी है, 25 रुपये की टिकट है। सो अभी मेरे को देखना है कि मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, शायद जो मेरी ट्रेन है वो 1 घंटे बाद है, अभी 10:30 बज रहे, तो देख लेते एक बार कैसा क्या है। तो भाई साहब, अपनी जो ट्रेन है वो आ चुकी है,
चार नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आ रही है, तो अभी चलते ये चार नंबर प्लेटफॉर्म और ये सामने आ रही है हमारी ट्रेन, ये है अपनी ट्रेन। तो फिलहाल अभी मैं स्टेशन पे और ये फुल चर्च गेट वाली फीलिंग दे रहा है, चर्च गेट में भी ऐसी फीलिंग आती है और सब लोग जैसे दौड़ते हुए आएंगे, देखो यहाँ पर भी फीलिंग वैसा ही आ रहा है। और ट्रेन भी बॉम्बे के जैसा ही है, मुंबई के जैसे मुंबई लोकल ही है, खाली कलर थोड़ा सा अलग है, बाकी जिस तरीके से ट्रेन रुकती है और ट्रेन का जो फील आ रहा है पूरा बॉम्बे वाला फील ही आ रहा है, चर्च गेट वाला फील ही दे रहा है, खाली ऊपर थोड़ा अलग है, बाकी सब कुछ सेम लग रहा है। सो अभी थोड़ा रुकते आगे देखते फिर चढ़ते ट्रेन में, जगह पकड़ते हैं भाई फटाक से, कोई तो जगह पकड़ते अच्छी वाली जहाँ से व्यू आए। शांतिपुर जाएगा ना ये ट्रेन, शांतिपुर भाई साहब ये है अपनी ट्रेन और इसके अंदर अभी हम सफ़र करेंगे, फुल मुंबई लोकल वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी देखो एकदम फुल ऐसा फील आ रहा है बॉम्बे में ही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना बैग रख दिया है ऊपर यहाँ पे बैग रख दिया और यहाँ पे बैठूँगा, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो बस काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब कोलकाता के अंदर पहली बार लोकल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। वैसे बॉम्बे वाला फीलिंग आ रहा है जैसे मैंने पहले भी बताया, तो मतलब अच्छा लग रहा है। दो घंटे में हम लोग पहुँचेंगे, दो ढाई घंटे के अंदर हम लोग शायद पहुँचेंगे, बठाना रुकना है मेरे को, ये चीज़ मेरे को याद है, शांतिपुर के पहले एक स्टॉप है वहाँ पे उतर जाना है मेरे को। सो अभी फ़िलहाल ट्रेन खाली है, मतलब चर्च गेट जैसे, चर्च गेट में जैसे कैसे ट्रेन आता है खाली रहता है वैसे अभी यहाँ पर भी पूरा ट्रेन खाली है, मैंने ये वाला जगह पकड़ लिया है। फिलहाल गर्दी थोड़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे, बहुत गर्दी हो रही है, मुंबई में ट्रैवल करके गर्दी नॉर्मल लग रही है मेरे को। गर्दी धीरे धीरे कम हो रही है लगता है अभी। आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं अभी और इन्होंने मुझे अपनी जगह दे दी, आगे खड़े से वीडियो बनाना था तो इन्होंने जगह दे दी। सो अभी फ़िलहाल आया है अंधेरी और आगे है पर ऐसा कुछ चल रहा है भाई, नज़ारा ऐसा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई लोकल में ट्रैवल। तो भाई साहब फाइनली आ चुके हैं और बाहर आ चुका हूँ, छोटे से गांव का छोटा सा रेलवे स्टेशन है बाथना करके इसका नाम है। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अभी मेरे को इंतज़ार करना है अपने दोस्त का, वो आएगा उसके बाद फिर जाएंगे। चलो बाय बाय ट्रेन, तुमने यहाँ तक साथ दिया,
और ट्रेन जा रही है अभी फिलहाल। ज़्यादा लोग यहाँ पे उतरे नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है भाई। सो अभी रुकूँगा और मैं फ़ोन करता हूँ पहले अपने दोस्त को, वो लेने आएगा मेरे को, फिर उसके साथ फिर जाऊँगा आगे मैं। भाई दो से ढाई घंटे की जो जर्नी थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़ा आया। और अभी फ़िलहाल देखते हैं भाई क्या होता है। भाई पूरा सुमसान स्टेशन है एकदम। इस स्टेशन पे तो कोई दुकान भी नहीं है, मतलब ऐसा स्टेशन है। और काफ़ी अच्छा हुआ कि यार मैं यहाँ पे आया अभी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँगा जो कि मैंने शायद पहले कभी एक्सप्लोर की नहीं थी। सो अभी जस्ट मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो 5 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके साथ जाएंगे हम लोग। भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, अभी तक का जो ट्रिप है काफ़ी अच्छा जा रहा है और आगे भी आई होप कि आगे इतना अच्छा जाए। और वो आएगा तो उसका भी एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, कौन है वो, हम लोग कैसे मिले। और मैं बात सो गाइस जिस बंदे की मैं बात कर रहा था वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। ये बंदे को मैं शायद 1 या 2 साल पहले फेसबुक पे इसके साथ मेरा बातचीत हुआ था। वो टाइम पे मैंने सोचा था अगर कभी कलकत्ता होगा तो चलो एक बंदा है जिससे एटलीस्ट मैं जानता हूँ कलकत्ता में। तो जब मैं कलकत्ता आया तो पहले मैंने इसको अप्रोच किया, इसका नाम है रजत। हाय। सो